من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات دی وقار محترم بزرگو نوجوان ساتھیوں
आज का खुतबा जुमा, इसका उन्वान और मजमून घर की तामीर, औरत का हुनर, बीवी का हुनर, इसलिए चुना गया कि घर हमारी मुआशरती जिंदगी की एक बुलंद और बेहतरीन असास और बुनियाद है। घर की जिंदगी जितनी इंसान की बेहतर, पुरसुकून, इत्मीनान और खुशियों से लबरेज होती है, उतना ही जिंदगी के दीगर मामलात में, मुकामात से इंसान बेहतर किरदार और अच्छा अंदाज और रवैया दिखला सकता और अपना सकता है। जिसकी घर की जिंदगी उलझनों का शिकार हो, मुश्किलात से दोचार हो, मसाइल और दीगर मामलात के अंदर उसे बेचैनी और इस्तेराब लाहिक हो, ऐसा शख्स फिर किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम पे, किसी भी हैसियत को बेहतर अंदाज के साथ न अपना सकता है न पूरा कर सकता है। एक वाकया इस जिमन में अखबारों, रसायल, सोशल मीडिया पे गर्दश करता रहा। बादशाह अपने मुसाहबों के साथ सफर पे था, रस्ते में गुजरते हुए उसने किसी इमारत पे चंद अफराद को काम करते, मजदूरी करते देखा। एक शख्स उनमें से सबसे ज्यादा मुस्तैद, तेज ज़ौक और बलबले के साथ काम कर रहा, इस हद तक चुस्त तो चला कि दूसरे अफराद उतना वजनी काम न अंजाम दे पा रहे थे और उतनी काम के अंदर तेजी न दिखा पा रहे थे जितनी तेजी और जितना वजनी काम ये तेजी के साथ सर अंजाम दे रहा था। इसके हाथ की फेंकी हुई ईंट काफी ऊंचाई तक आराम से चली जाती, दीगर अफराद उतनी ऊंचाई तक बावजूद बड़ी कोशिश के भी अपने सामान को और अपनी ईंट को, फेंके हुए पत्थर को ना पहुंचा सकते। बादशाह हैरान, मुसाहिबीन से कहने लगा, बड़ा ताकतवर और तनोमन शख्स है, बड़ा माहिर है, सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा। साहिब ने, वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर मुझसे पूछे इसकी सारी चुस्ती और तेजी और हुनरमंदी के पीछे मुझे जो बात नजर आती है, इसके घर की खुशहाली नजर आती है। जरूर अपने घर के अंदर ये बड़ा पुरसुकून है, अपने घर की जिंदगी ये बड़ी अच्छे अंदाज और मुसर्रतों के साथ गुजार रहा है। आप इसके घर की जिंदगी को, इसकी अज़दवाजी जिंदगी को इसके लिए जरा खराब करके देखें, फिर इसकी कारकर्दगी देखिएगा। ऐसा ही किया, एक आने जाने वाली औरत को जिम्मेदारी देकर उसके घर में भेजा कि जब ये घर से काम पे निकले तुम इसकी बीवी के पास जाना और जाके कहना तुझे अपने खाओं का पता भी है
कहाँ जाता है, किनके पास बैठता है, कैसा वक्त गुजारता है, किसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, उसके जहन के अंदर अपने खामन के बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए, उस औरत का अपने खामन के साथ जो पहले खिदमत का अंदाज था, रवैया था, मामला था, वो खत्म हुआ, दो चार पांच दिनों के बाद दोबारा उसी जगह पे उसके काम का मुशाहदा किया गया, तो ना वो सुस्ती थी, ना वो मुस्तैदी थी, ना वो तेजी थी, ना वो कुव्वत और ताकत और जोश था, ना वो बलबला था। सबब कि जो इंसान अपने घर के मामलात के अंदर और अपने घर की जिंदगी के अंदर मुतमईन और पुरसुकून नहीं है, जिंदगी के किसी मैदान के अंदर वो अच्छा और बेहतर अंदाज इख्तियार नहीं कर पाता। ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी अहमियत के पेश नजर और जिसके इंतहाई से ज्यादा फायदामंद होने के नाते खालिक कायनात और मालिक कायनात ने जहां अपनी बहुत सारी निशानियों को अकलमंदों के सामने जिक्र करके अपनी कुव्वत और ताकत मनवाई है, अपनी कुदरत का लोगों से एतराफ करवाया है, ये कभी आसमान पे नजर डालो, कभी जमीन को देखो, कभी रात का निजाम देखो, कभी दिन का आना जाना देखो, कभी ये पहाड़, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये बादल, ये बरसता पानी, ये उगते हुए नाच, ये नबातात, इन सारी अशिया को देखो, अल्लाह की कुदरत की अलामत और निशानियां हैं। उन्हीं में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात यह भी बयान फरमाई, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً। लोगों, जिस तरह अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत और अल्लाह की बादशाहत की आसमान बहुत बड़ी निशानी है, ये कायनात बहुत बड़ी बुलंदो बाला निशानी है, इस कायनात का सारा निजाम, ये रात और दिन का समान, ये अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। उसी तरह अल्लाह की निशानियों में एक ये चीज भी निशानी है, इससे भी गौर व फिक्र करो तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत का एहसास होगा। ए अल्लाह, क्या निशानी, अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तमाम पर मलकियत के तमाम पर राब्तों और तरीकों के साथ अल्लाह ने तुम्हारी जानों से तुम्हारा एक जोड़ा, तुम्हारा एक साथी बतौर बीवी के अल्लाह ने पैदा कर दिया है, बना दिया है। इस बीवी को तुम्हारे साथ व्यवस्था करने का मकसद क्या है, इस घर के अंदर तुम्हें अज़वाजी ताल्लुक में कायम करने का मकसद क्या है, ताकि तुम उससे वस्ता होकर उसके साथ वक्त गुजार के, ताकि तुम उसके ताल्लुक और नाते के साथ वस्ता होगे, ताकि तुम इस रिश्ते के अंदर जुड़कर आपस की जिंदगी को पुरसुकून बना सको, पुर इत्मीनान बना सको, पुर मुसर्रत बना सको, खुशियों से लबरेज कर सको। वजअल बैनकुम उस अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला के साथ इस रिश्ते के अंदर अजीब ही प्यार और मुवद्दत और रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमा दिया। इस रिश्ते के सुकून, घर के सुकून और घर की जिंदगी की खुशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। और हकीकतन अल्लाह का फजल है उस इंसान पे, अल्लाह का एहसान है उस इंसान पे, बेहतरीन और कामयाब तरीन शख्स है वो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खुशनसीब इंसान को अगर पहचान ना हो, खुशकिस्मत कौन है, सआदतमंद कौन है, खुशनसीब कौन है,
तो फरमाया उसकी जिंदगी के अंदर तलाश करो, तुम्हें नेक बीवी उसकी जिंदगी का साथी मिलेगी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी के साथी के तौर पे नेक और साले फरमा बरदार बीवी अता फरमा दे, समझ लो वो बड़ा खुशकिस्मत और बानसीब इंसान। हमारे लिए आज की इस महफिल और नशिस्त में इसी चीज को हमने जानना और समझना है कि ये सुकून, इत्मीनान, मुसर्रत, खुशी और पुरसुकून जिंदगी जो घर की है, अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नेमत है, इसे पुरसुकून बनाता कौन है? इस घर की जिंदगी को आरामदेह बनाता कौन है? इस घर के माहौल को इस खुशगवार अंदाज में चलाता कौन है? उसमें सबसे पहला किरदार वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक औरत का बतौर बीवी के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दर फरमाया। जिंदगी के अंदर एक औरत, एक बेटी, एक लड़की आला से आला किरदार किसी और नाम से अपना ले, मुआशरे की बेहतर से खिदमत, बेहतर से बेहतर खिदमत का तरीका इख्तियार कर ले, तालीम का मैदान हो, खिदमत का मैदान हो, तदरीस का मैदान हो, महारतों का मैदान हो, किसी भी मैदान में हत्ता के दीन से वाबस्ता हो, इबादात में लगी हो, इताअत गुजारी में चल रही हो, जितनी देर तक इस औरत का ये किरदार आला और खूबसूरत और बेहतर नहीं बनता और अपने मकसद को पूरा करने वाली ये औरत नहीं बनती, उतनी देर तक इसका अल्लाह के यहां कोई मोल और कोई कीमत नहीं पड़ती है। मर्द के लिए बहुत सारे मैदान मुकर्रर किए गए, उसकी इंफिरादी, इज्तिमाई, खानदानी, घरेलू, मुआशरती, जमाती जिंदगी के हर मरहला के हवाला से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उसके कंधों पर डाला गया। एक मर्द घर में कामयाब है, कारोबार में कामयाब नहीं, नाकाम है। एक मर्द कारोबार में बड़ा अच्छा है, इबादात में पूरा नहीं, नाकाम है। इबादात में बड़ा अच्छा है, लेन देन और मामलात के अंदर बेहतर उसूल और तरीका अल्लाह का पूरा नहीं करता, नाकाम है। लेन देन और मामलात में अच्छा है, जमाती जिंदगी के अंदर, दीनी जिम्मेदारियों के अंदर वो अपने आप को मुकम्मल तरीके पे दाखिल और शामिल नहीं करता, नाकामी उसका मुंह देख सकती है। लेकिन एक औरत के लिए कितने मैदान हैं? प्यारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुंतखब फरमा दिया, फरमाया लोगों एक औरत कायनात के अंदर जिसको अल्लाह ने औरत बना के, बेटी बना के, लड़की बना के पैदा किया, इदा फल्लत खम्सहा वसामत शहरहा वअताअत ज़ौजहा, जब ये औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादात में पांच नमाजों को पाबंदी से अदा करने वाली बन जाए, माह रमजान के फर्जी रोजों को पूरे तरीके से अदा करने वाली रखने वाली बन जाए, और तीसरे नंबर पर फरमाया वअताअत ज़ौजहा अपने खामन की और अपने शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करने वाली बन जाए, उसके लिए कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के आठों दरवाजे खोल कर उसको इख्तियार दे देंगे, फदखुली मिन अय्यति माशात, वो जिस जन्नत के जाल दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। कितने मैदान रहे? एक अल्लाह के हुकूक से वाबस्ता और एक खामत से वाबस्ता। इसके लिए जिंदगी के बड़े बड़े मकासिद में से सबसे आला और सबसे बेहतरीन मकसद यह है कि ये जिंदगी की वो डगर सीखे, जिंदगी का वो तौर और तरीका सीखे, वो अंदाज और अतवार जाने कि जिनको अपनाकर ये अपने घर के लिए, अपने खामत के घर के लिए एक सुकून और इत्मीनान, खुशी और मुसर्रत देने का बाइस बन सकती है, और जिसके जरिए ये अपने घर को, अपने खामत के लिए जन्नत के समान बना सकती है। जो औरत
अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करना चाहती है, जो बेटी अपनी जिंदगी और पैदा किए जाने के मकसद और हदफ को जानना चाहती है, उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे बेहतर तरीका और अंदाज ये है कि वो अपने अकल और शऊर के अय्याम का आगाज होने के साथ ही जिन चीजों को सीखने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे, वो ये सीखे और ये जाने कि उसने अपना घर कैसे संभालना, अपने खामन के साथ कैसे रहना। वही कामयाब है, यही औरत का मकसद है, यही उसकी जिंदगी का बेहतरीन और आला तरीन हदफ है। और इसके लिए तरीका कार क्या है, उसलूब और अंदाज क्या है? प्यारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, सहाबी रिवायत बयान करने वाले फरमाते हैं मेरी पुफी जान थी, अल्लाह के पैगंबर सल्लम के पास मसला पूछने आई। जब उन्होंने मसला पूछ लिया, बात पूरी हो गई, जवाब दे दिया, सारा समझ में आ गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख्सत लेकर वापस जाने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ सहाबिया, ऐ अल्लाह के मानने वाली, अल्लाह की बंदी, मुझे भी एक सवाल का जवाब दे। तेरा निकाह हो चुका है, तेरी शादी हो चुकी है या नहीं हुई, तेरा खामन मौजूद है कि नहीं मौजूद? कहने लगी, जी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामन मौजूद है, अपने घर वाली को मेरा निकाह हो चुका, मेरी शादी हो चुकी है। आका ने जब ये बात सुनी कि ये निकाह शुदा है, शादी शुदा है, इसका खामन मौजूद है, आपने जाती हुई औरत को नसीहत फरमा दी, फरमाया बंजूरी फिर मेरी एक बात को याद रख ले, गौर कर और तवज्जो कर, ऐना अंती मिन्हु, तेरा अपने खामन के साथ ताल्लुक कैसा है, तेरा अपने खामन के साथ रवैया कैसा और अंदाज कैसा है। फंजुरी ऐना अंती मिन्हु, बतौर बीवी के तेरा किरदार कैसा है, अपने घर के बनाने और घर को पुरसुकून बनाने के मामलात के अंदर तेरा रवैया कैसा है। फंजुरी ऐना अंती मिन्हु, इन मामलात पे पूरी तवज्जो दिया कर, निगाह रखा कर, तेरा खामन तुझसे राजी है इस बात की फिक्र किया कर, तेरा खामन तुझसे नाराज है इस बात पे परेशान हुआ कर, उन मामलात को जानने की परखने की कोशिश किया कर जो तेरे खामन की खुशी का रजा का सबब बनते हैं, उन बातों और रवैयों से अपने आप को बचाने की कोशिश किया कर जो बातें तेरे खामन को परेशान करती या नाराज करती और बुरी लगती है। कमजोरी के पैगंबर सल्लम, क्या वजह है आपने मुझे जाते जाते बड़ी अहमियत के साथ वापस बुलाकर मेरी जिंदगी के बारे में पहला सवाल ये किया? मैं अपनी जिंदगी में शादी में दाखिल हो चुकी हूँ कि नहीं, मेरा कामन है कि नहीं है? अल्लाह के पैगंबर, फिर आपने मुझे कामन के हवाले से ये वसीयत क्यों फरमाई? अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, मैं पैगंबर का फरमान सुन ले, तेरे लिए तेरा खामद ही तेरी जन्नत है, तेरा खामद ही तेरी दौलत है, तेरा खामन ही तेरी जन्नत। क्या माना? क्या अगर जिंदगी के अंदर खामन को तू राजी रख रही है, खुश रख रही है, जिंदगी को पुरसुकून बना रही है, उसके हुकूक को पूरा अदा कर रही है, उसकी इताअत और फरमाबरदारी कर रही है, तो तेरे लिए अल्लाह जन्नत के कल क्यामत के दिन आठों दरवाजे खोल देंगे। लेकिन अगर तेरा खामन तुझसे राजी नहीं, तेरी अज़वाजी जिंदगी के अंदर तुझे पता नहीं घर का सुकून कैसे बरकरार रखते हैं, खामन की दिलजोई किस तरह करते हैं, उसकी परेशानियों में उसका सहारा कैसे बनते हैं, मामलात के अंदर उसकी थकान और उसकी उलझनों को दूर करने के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, तेरे खामन को तू राजी रखने का किरदार नहीं अपना सकती, नहीं निभा सकती, फइन्नहु नार, तो यकीन करके तेरे जहन्नम में जाने का सबब यही अमल बनेगा और यही तेरे जहन्नम में जाने को काफी है। तेरी जन्नत भी तेरे सामने, तेरी जहन्नम भी तेरे सामने, इख्तियार तेरा है कि तूने अपने लिए कौन सा ठिकाना और कौन सी मंजिल चुनी है, फैसला तेरा है
मेयार तेरे पास है, अगर खामद राजी है तो जन्नत की मेहमान है, अगर खामद नाराज है तो फिर जहन्नम तेरा ठिकाना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा बाहर बिरूनी शाम के दूसरे इलाकों का सफर करके आए तो लोगों के मामलात एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के तरीके अजीब थे। जब भी वो अपने किसी सरदार किसी बादशाह के घर में दरबार में दाखिल होते तो वो उसके सामने बकायदा सजदा करके फिर दाखिल होते। सहाबा इकराम ने सोचा कि इनकी बादशाहत इनकी हैसियत इनका मुकाम इनका मर्तबा तो दुनियावी है महज थोड़े दिनों का, हमारे सरदार तो इमामुल अंबिया है, ताजदारे मदीना है, वालिये बकहा है, हबीबे किबरिया है, हमें चाहिए कि हम जब आपके घर या आपकी मसनद आपकी महफल में दाखिल हों तो सजदा करके दाखिल, जितनी तावीम ये अपने बादशाहों की करते हैं उससे ज्यादा हमें अपने पैगंबर की तावीम करनी चाहिए। नबी पाक का तुमसे आपने सवाल किया और यहां बात चलते चलते बतला दूं कैसा अंदाज था सहाबा का, वो दिल में आने वाले ख्यालात को पैगंबर की जात से व्यवस्था करने से पहले भी इजाजत लिया करते थे। आका आपके लिए ये करना चाहते हैं, दिल में ख्याल आया है, दिल चाहता है कि ऐसा काम आपके लिए किया जाए, लेकिन बेअदबी होगी अगर बगैर पूछे हम कर ले, बताइए करें कि ना करें। पूछा सहाबा इकराम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, कहा लोगो لو كنت آمرا لأحد من يسجد لغير الله اگر میں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے کسی اور کے لیے سجدے کو جائز قرار دیتے تو میں دنیا کے اندر عورت کو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے لیکن یہ حکم میں نہیں دے رہا کیوں شریعت اسلامیہ کے اندر تعظیم اور عزت و تکریم کا سجدہ بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اگر شریعت اسلامیہ کے اندر عزت و تکریم کے اعلیٰ ترین مقام پہ کسی کو بٹھا کر اس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں محمد کریم صلی عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کر کے پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا کرے۔ اس حد تک خامن کا رشتہ عورت کے لیے محترم مقدم اہم اور ضروری، اس حد تک ایک خامن کے حقوق عورت کے اوپر لازم، اتنا زیادہ اس کے لیے اہم بنایا گیا اس معاملے کے اندر اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ کرنے کی۔ اگلے الفاظ فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں اگلی بات بھی سن لو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی عورت اتنی دیر تک اپنے رب کے حقوق بھی پوری طرح ادا نہیں کر دیتی جتنی دیر تک وہ اپنے خامد کے تو حقوق صحیح طرح ادا نہیں کرتی۔ کیا مانا؟ عورت نمازیں پوری پڑھے، عورت اذکار پورے کرے، عورت قرآن کی تلاوت کرے، عورت رمضان کے روزے رکھے، ایک عورت کو ایک لڑکی کو دین اسلام کے حلال حرام کی ساری تمیز ہو، اخلاق اور کردار کے سارے اصولوں کا پتہ ہو، زندگی کے معاملات کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ رویے اور طریقے اس نے سیکھ رکھے ہو، اللہ کی عبادت کے اندر بھی انتہائی زیادہ اپنے وقت کو صرف کرنے والی ہو، لیکن یہی عورت اگر اپنے خامد کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا نہیں جانتی، عورت کو یہ پتا نہیں خامن کو خوش کیسے رکھنا ہے، اس عورت کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں کہ خامن کو راضی رکھنا، خامن کی اطاعت کرنا، خامن کی فرما برداری کرنا، خامن کی بات ماننا، خامن کی پسند اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو ڈالنا، میرے لیے میرے اللہ نے کتنا اہم قرار دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جتنی مرضی اللہ کی عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس عورت کو اپنے خامند کو راضی کرنے کا خیال نہیں آتا وہ اپنے اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتی۔
एक औरत की जिंदगी का फिर मकसद क्या ठहरा? जितने अल्फाज आपने पढ़े अहादीस मुबारका के सुने, इसमें औरत के लिए, लड़की के लिए, बेटी के लिए जिंदगी का एक अहम तरीन मकसद, जिंदगी का एक अहम तरीन जरिया मामला अल्लाह की रजा का, वो क्या है? इसे अच्छी बीवी बनना आता हो, इसे अपने घर को संभालना आता हो, इसे घर के अंदर वो सारे जाब्ते, वो सुकून, वो इत्मीनान की कैफियत को पूरा करना आता हो, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर बनाया और जिस घर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों को रिश्ते अज़वाज में जोड़ा। इससे अगली बात, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में ये अल्फाज इरशाद फरमाए, फरमाया ओ लोगों, दो किस्म के अपराध ऐसे हैं जो नमाजें अदा करते हैं, नवाफल के हो या फराइज के हो, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े वक्त के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ा ख्याल करते हुए अल्लाह की इबादत के अंदर मगन होते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद करीम सल्लम तुम्हें यह बतला रहा हूँ, अल्लाह की कसम, उनकी पड़ी हुई कोई भी नमाज उनके सर से एक बलिश भी ऊपर नहीं जाती। नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन वो पढ़ी नमाज अल्लाह तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है, उसके घर की छत तक भी नहीं जाती, उसके सर से एक बलिश के बराबर भी ऊपर नहीं उठती। कौन कौन से अपराध? फरमाया एक बोला जो किसी का मुलाजम था, नौकर था, गुलाम था, वो मालिक उसके सारे हुकूम पूरे करता है, ये गुलाम, ये नौकर उसके काम को छोड़ के भाग जाता है, अपने मामलात के अंदर ये इतनी कमजोरी दिखाए और दूसरी जानब तहज्जुद अदा करे, नफल अदा करे, फर्ज नमाजें पढ़े, मस्जिदों के मसल्ले मांग ले, अल्लाह को इसकी इन नमाजों की कोई जरूरत और परवाह नहीं है, अल्लाह इसकी पड़ी नमाजों को भी कबूल करते नहीं। और फरमाया दूसरे नंबर पे वो औरत जो इस हाल में दिन गुजारे, रात गुजारे, उसका कामत उससे नाराज है, उसे परवाह कोई नहीं, ठीक है नाराज है तो नाराज है, मुझे क्या जरूरत है मनाने की, मुझे क्या जरूरत है पास जाने की, मैंने भी तो कोई गलत बात नहीं कही, मेरी भी तो बात ठीक है, अपनी अनाडियत को लेकर, अपनी जरूरत को लेकर, अपनी खास को लेकर, अपनी मर्जी को लेकर वो अपने खामत से नाराजगी के सिलसिले को बरकरार रखे, उसको मिटाने और खत्म करने की कोशिश न करे। फरमाया जितनी नमाजें पढ़े, जितनी इबादत करे, जितना अल्लाह के करीब होने की कोशिश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसकी नमाजों की परवाह नहीं, इसकी नमाज इसके सर से एक बारिश के बराबर भी ऊपर नहीं जाती। यही की यही है, क्या माना समझ में आता है? माँ बाप के लिए, वालदैन के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो जिंदगी इस डगर पे गुजारती है कि जन्नत मिल सके, जहन्नम से बचाव हो सके, अल्लाह राजी हो जाए, मुसलमान है, कलमा गो है, कुरान को मानने वाले हैं, तो फिर अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर को पुरसुकून बनाने का किरदार नहीं सीखा, अपनी बीवी के नाते और बीवी के ताल्लुक को बेहतर रवैये और अंदाज के साथ गुजारने और अपनाने का अंदाज नहीं जाना, हमारी तरबियत के अंदर बाकी सारा कुछ आ जाए, दीन आ जाए, दुनिया आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन ये वाला किरदार अगर निभाना नहीं आता तो सारी जिंदगी बेमाना, बेमकसद और फजूल है, हमने दुनिया में आकर कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई भी अमल फिर अल्लाह के यहां कोई कदर और कीमत नहीं पाएगा जब तक औरत अपना ये वाला मकसद पूरा करने का हुनर नहीं जानती। और आज अलमिया क्या है? आज निकाह के बाद सबसे ज्यादा परेशानियां जो हैं वो थोड़े ही वक्त के बाद तलाक की है, टूटे हुए रिश्तों की है, बिखरे हुए घरों की है, निकाह से ज्यादा शराब तलाक की होती जा रही, हर जरिया अपना के, हर तरीका अपना के, जहेज के अंबार लगा के, जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करके, मुतालबे सारे पूरे करके भी
گھروں کو آباد کرنا آج پھر بھی مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیادی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں بہنوں کو تربیت و تعلیم میں یہ کردار سکھایا ہی نہیں جاتا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. شادی آج کے دور میں ذمہ داری نہیں, کہ جس کو پوری طرح اچھے انداز کے ساتھ جان کر سیکھ کر نبھانے کی فکر لے کر پھر اس کے عمل اس کے اندر قدم رکھا جائے. بیٹوں بھی معاملہ اسی طرح کا ہے, لڑکوں میں بھی معاملہ اسی طرح کا ہے. لیکن آج رمضان کے اس جمعہ میں خطبہ میں بیٹیوں کے حوالہ سے بات اس لیے ہے کہ خواتین کا آنا ہی ہمارے پاس زیادہ تر جمعوں میں رمضان کے اندر ہوتا ہے. مردوں کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو تو پھر بھی باقی جمعوں میں بھی یہ باتیں کہی جاتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں میں نے یہ بات کہی بھی تو اکثر بزرگوں نے فرمایا کہ آپ نے رمضان میں کرنا تھا اس کے بارے میں تاکہ آنے والی خواتین کی کچھ تربیت ہو. اس لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں, زندگی ساری اگر با مقصد بنانی ہے, رب کے ہاں منظور کروانی ہے, کامیاب کروانی ہے, تو پھر اپنے آپ کو بیوی کے ناطے پہ پرکھ لو کہ ہمارا اپنے بیوی کے ناطے رویہ خامت کی نظر میں پسندیدہ ہے, خوش ہے, مطمئن ہے, مقبول ہے, منظور ہے, یا خامن کو ہم سے شکایت ہے. وہ خامن کی شکایت صرف خامن کی شکایت نہیں ہوگی, وہ خامن کی ناراضگی صرف خامن کی ناراضگی نہیں رہے گی, وہ صرف ایک رشتے کا بگاڑ نہیں ہوگا, عبادات بگڑ جائے گی, اطاعت بگڑ جائے گی, ساری زندگی کی محنتیں, صدقات و خیرات, تلاوت قرآن کی, حج اور عمرہ کی ادائیگیاں, یہ سارے سلسلے نیکیوں کے ایک طرف پیچھے کر دیے جائیں گے اگر ازدواجی زندگی کے اندر بیوی کو یہ طریقہ نہیں پتا کہ اپنے خامن کی زندگی کو, گھر کو پرسکون کیسے بنانا. اور دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی مکمل, کتنی بہترین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تربیت کے طور پہ بیان بھی فرما دیا تاکہ میری امت کی مسلمہ عورتوں کو کسی قسم کی کوئی تشنگی نہ رہ جائے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. باتیں موجود ہیں, آج سیکھنے والا کوئی نہیں, رویے موجود ہیں, سکھانے والا کوئی نہیں. والدین انہیں زندگی کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو بیٹی کی تعلیم اور تربیت کا حصہ بنانے کی فکر کوئی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے, ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں, آپ کی بنات ہیں, صحابیات ہیں, آپ ان کی اس معاملے کے اندر تربیت کیا کرتے. فرمایا اے لوگو الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ, صحابہ کی مجلس میں تعلیم اور کلاس میں اور تربیت کے دور میں میرے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دے رہے, بات کر رہے, نصیحت کر رہے, ان کو سبق پڑھا رہے, اور سبق پڑھاتے ہوئے فرماتے کیا گئے, میرے آقا نے کہا اے میرے صحابہ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ, میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جن کو دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ زندگی دنیا میں گزار رہی, ابھی تمہارے درمیان رہتی بستی, کھاتی پیتی, اٹھتی اور جاگتی, سوتی ہیں, ابھی سارے معاملات وہ دنیا کے سر انجام دے رہی ہیں, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ رب العزت نے ان کو جنتوں کے تشریف کے عطا فرما دیے. وہ ابھی دنیا میں ہیں لیکن یہ گارنٹی ہے کہ جیسے ہی دنیا سے جائیں گی سیدھی جنت میں جائیں گی. جنتی عورتیں. قلنا بلا یا رسول اللہ, صحابہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں, ایسے کردار سیکھنے کے لیے ہی تو کلمہ پڑا ہے, ایسے اعمال اپنانے کے لیے ہی تو دین کو قبول کیا ہے. جنت میں جانے کی کس کی تمنا نہیں ہے, جنتی کام سارے سیکھنے کی کس کی خواہش نہیں. ضرور بتلائیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی خواتین, ایسی عورتیں کون سی ہیں جو رہتی تو ابھی دنیا میں ہے لیکن جنت ان کے لیے بن چکی ہے, ان کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف مل رہی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الودود المولود, دل کے اندر مٹھاس رکھنے والی, زبان میں چاشنی رکھنے والی, محبت لٹانے والی, پیار بٹانے والی, کس کے لیے؟ اپنے خامن سے.
अपने दिल के जज्बात में आला से आला बेहतरीन जज्बात और मोहब्बत और प्यार को अपने खामत के लिए पैदा करने वाली। अल मौलूद, औलाद की तरबियत करने वाली, औलाद को जन्म देने वाली, औलाद के लिए दास करने वाली। अल औद इला ज़ौजी खैरा, ऐसी खवातीन, ऐसी बीवियां जो रिश्ता अज़्ज़वाज में दाखिल होती हैं, उस अज़्ज़वाजी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझती है, उस जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जिस जगह पे भी जाती हैं, जिस मुकाम पे भी जाती हैं, अपने खामद के लिए खैर और भलाई लेकर पलटती हैं। कभी अपने खामद के लिए कोई परेशानी और उलझन लेके वापस नहीं आती। साथ में जाएं, पेके में जाएं, बहनों के पास जाएं, सहेलियों के पास जाएं, जहां से भी वापस आएं, बाद वाला कहे इसका खामद, इसका शोहर तो बड़ा बेहतरीन है। अपने किरदार से, अपने बातों से, अपने रवैये से, अपने मामलात से अपने खामद की तारीफ करवाए, अपने खामद की इज्जत बढ़ाए, अपने खामद का मुकाम ऊंचा करे, अपने खामद की कदर को मजबूत करे। अल औद, वो बीवी के जो अपने घर में बैठकर अपनी मां के सामने, अपने बाप के सामने अपने खामद की नजेदा रवैयों की शिकायत करने बैठ जाए, छोटे छोटे मामलात पर अपनी तकलीफ अपने मां बाप के सामने भी दोहराने बैठ जाए, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लम के फरमान के मुताबिक अच्छी और नेक और सादे बीवियों औरतों में शामिल और दाखिल नहीं। क्यों? अच्छी बीवी होने के औसाफ में पहली सिफत यह है, अल औद इला अहलिही खैरा, जहां जाए पलट के जब खामन के पास आए तो पीछे खामन की इज्जत और तौकीर और नाम और शोहरत और अच्छाई के झंडे जड़े, लोग तारीफ करने पे आए, बेहतरीन खामद है, बेहतरीन शोहर है, बड़े अच्छे तरीके से रखा है, काबा के रब की कसम है, बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह की है, घराना अली अल मुर्तजा का है, जिंदगी के मामलात किस तरह के हैं, कंधे पे छाले पड़ चुके हैं, हाथों में आबले उठ चुके हैं, चक्की पीस पीस के आटा, चक्की चला चला के आटा पीसती है, मीलों सफर तय करके रोजाना की बुनियाद पे हजरत फातिमा अपने घर के लिए खुद शादर में मस्जिदे में पानी उठा के लाती है, हत्ता के ये सारी जवानी के अय्याम गुजरते जा रहे हैं, हड्डियां नहीं हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, इस कमजोरी में तकलीफ में बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए जब बहुत ज्यादा हिम्मत जवाब दे गई, हड्डियों के ऊपर जिस्म के ऊपर आबले पड़ गए, निशान पड़ गए, तब जनाबे नबी पाक सल्लम के पास जाती है, बाबा ये नहीं कहा हजरत अली से कहिए जरा ज्यादा कमा के लाए, ज्यादा पैसा लेके आए, ज्यादा मेहनत करें और कारोबार करें, घर अच्छा बनाए, खुद चीजें में पानी भर के लाए, खुद जाके सारी आटा की चक्की जो है नजदीक की चला के आटा पिसवा के लाए, ये सारे काम मैं अकेली क्यों करूं, इनका भी तो कोई हक है, बाहर से पानी मैं क्यों लेके आऊं, इनका भी तो हक है, चक्की मैं ही क्यों चलाऊं, इनका भी तो हक है, ये मेरे हाथों के आबले देखे, पूछे अली से क्यों ऐसा करते हैं। कोई एक जुमला जिंदगी भर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला की जुबान से ऐसा निकला नहीं। यहां सूट अच्छा ना मिले तो पूरे खानदान में डंडोरा, शादी पे मर्जी की शादी नहीं हुई मैंने जाना ही कोई नहीं, घर में ईद मिलने नहीं जाना क्यों, जुती नहीं सही लहके दीती, ईद की शॉपिंग भी कोई नहीं, जेब खर्च भी कोई नहीं, ये रिश्ता इस काबिल है, निकाह के बोल कलमा पढ़ने के बाद जो जोड़े हैं एक सूट पे एक जूते के जोड़े पे कुर्बान किया जा सकता है, निकाह का बंधन है, अल्लाह के लिए जोड़ा है, जिम्मेदारी है ईमान की, मां बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सहेली के लिए, खानदान के लिए बर्दाश्त, दिल वसी, गुर्दा बड़ा, चलो कोई बात नहीं, खैर है,
अम्मा जान है ना कह सकती है, अब्बा जान है ना बोल सकते हैं, भाई है ना जायदाद में सारा हक मार के बैठ जाए, भाई है ना क्या करे। और खामन छूट नहीं लेके देता, चलो जी गल वहां कोई एहसास नहीं। ये बेटी को सीखना है, बहन को सीखना है, इसकी जिम्मेदारी है कि जितना वसी दिल इसका अपने बाप के लिए है उससे 100 गुना ज्यादा वसी इसका दिल अपने खामन के लिए हो, जितनी फराख दिली इसके नजर में नुक्ते नजर में अपनी वालदा के लिए है उससे 100 गुना ज्यादा फराख दिली अपने खामत के लिए दिखाए, जितनी बर्दाश्त इसके दिल में अपने भाइयों के लिए है उससे 100 गुना ज्यादा बर्दाश्त अपने खामत के लिए पैदा करे, तब जाकर ये अपने मानों में सही मानों में बीवी का हक अदा करती है। भाइयों की गालियां भी बर्दाश्त, भाइयों के जूते भी बर्दाश्त, भाइयों के थप्पड़ भी बर्दाश्त, भाइयों की हकदल्पी भी बर्दाश्त, बाप की नाराजगी भी बर्दाश्त, और खामन बोल के जाए किथे। ये औरत है, ये औरत नहीं, इसे औरत होने के मकसद का पता ही नहीं। अगले अल्फाज मेरे आपा जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, इन अल्फाज की तशरीह और वजाहत अल्लाह के पैगंबर ने खुद फरमा दी, फरमाया अपने खामत के लिए हर मुकाम पे उसका आम ऊंचा करने वाली कौन है, उसके मामलात के अंदर उसकी इज्जत व आबरू रखने वाली कौन है, उसके हुकूक को अदा करने वाली औरत कौन है, फरमाया अल्लती इदा उज़लिमत औ उज़ियत, अल्लती इदा उज़लिमत औ उज़ियत, वो औरत वो औरत वो औरत जो बीवी के रिश्ते में बन चुकी है, अपनी जिंदगी के मामलात पे खामत की तरफ से किसी जुल्म का शिकार हो जाए, किसी अजियत का शिकार हो जाए, किसी तकलीफ का शिकार हो जाए, गलती इसकी नहीं है गलती खामत की है, गलती इसकी नहीं है गलती खामत की माँ की है, गलती इसकी नहीं है गलती खामत के बाप की है, गलती इसकी नहीं है गलती इसके अपने शोहर की है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारियों को इतना अच्छे तरीके से अदा करने की सोच रखे, जिस पर जुल्म कर दिया जाए, जिस पर कोई ज्यादती कर ली जाए, ये अपने जुल्म और अपनी ज्यादती को बर्दाश्त कर जाए, इस हद तक बर्दाश्त कर जाए, सिर्फ जुबान ही बस न करे, सिर्फ दिल को भी राजी न कर ले, सिर्फ दिल को भी चुप न करवा ले, बल्कि अगला काम क्या करे, रात खामत बिस्तर पे लेट जाए, अपने खामत के बिस्तर पे जाकर उसका हाथ पकड़ के कह ले, ए अल्लाह के बंदे जब तक तू मुझसे खुश हो के बोलेगा नहीं उतनी देर तक मैं अपने आप को लिए बिस्तर पे लटाऊंगी, मैं नींद का एक पल भी नहीं गुजारूंगी, आंखें भी मूंदूंगी नहीं, बिस्तर भी नहीं लेटूंगी, आराम भी नहीं करूंगी जब तक तू मुझसे राजी क्यों नहीं हो जाता। ठीक है जो था सो था, किसकी गलती थी, कौन गलत था, कौन सही था, खामद और बीवी का रिश्ता इन मामलात को तय करवाने वाला नहीं। अल्लती इदा उज़लिमत औ उज़ियत, यह है बीवी, यह है वो औरत जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जन्नती की औरतों में से एक औरत है। और अहम तरीन मकसद क्या है, मकसद अहम तरीन यह है कि जन्नती औरत बनना है अपने घर को पुरसकून बनाने का हुनर सीख लो, आएंगे मामलात की उलझने आएंगी, तकालीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत अल्लाह के पैगंबर सासन के पास आते हैं और आके कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सासन निकाह कर लिया है, अल्लाह के पैगंबर पूछते हैं एक कंवारी औरत से निकाह किया है कि किसी मुतलका या बेवा से, कहा कंवारी से नहीं मुतलका से किया, कहा जाबर तुम नौजवान फिर कंवारी औरत से क्यों नहीं किया, कहा अल्लाह के रसूल सासन मेरी 7 या 9 बहने हैं, मां का साया कोई नहीं बाप का साया भी कोई नहीं, तो मैंने इसलिए सोचा कि किसी समझदार और तजर्बे वाली औरत से निकाह करूं ताकि वो औरत मेरे साथ साथ मेरी बहनों की भी तरबियत कर सके। आज क्या है, आज माँ बाप ढूंढ के वो घर तलाश करते हैं जिसे ना भरा हो ना बहन हो, कल्ला बंदा है तो सुख की जिंदगी गुजारे, ये जिंदगी है या सौदा है।
अगर हमारा मकसद ये है, अगर हमारी ख्वाहिश ये है, अगर हमारा हदफ ये है हम जो जिंदगी गुजार के जाएं उसके बाद जन्नत के हकदार बन जाएं, तो फिर जो मामलात अल्लाह हमारी जिंदगी में शामिल करते हैं उन मामलात को अच्छे अंदाज से पूरा करने की हमें तरबियत देनी चाहिए, उनकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अपनी नस्लों की सही मानों में तरबियत करके अपने कंधों पे पड़ने वाली जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इस काबिल बनने और बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।